दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। इन खबरों में आप लोगों को बताएंगे कई सारे आदेश यहाँ पर जो नए हैं, कई राज्यों से आदेश है, उन सबको एक एक करके देखना, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे आप लोगों के समायोजन को लेकर के जो सवाल है उनके बारे में बताएंगे। पूरा वीडियो देखना तो बहुत ही जानकारी आपको मिलेगी। ये देखिए समाहरणालय सहरसा यानी बिहार की तरफ से एक आदेश मेरे पास आया हुआ है और ये 7 जो है अगस्त को लेटर जारी है। एक नया काम आंगनबाड़ी बहनों बिहार में सहरसा में आंगनबाड़ी बहनों के कंधों पर डाला गया है। देखते हैं वो कौन सा काम है, हो सकता है आपके वहां पर भी धीरे धीरे ये काम करवाया जाए। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा ने एक लेटर भेजा है सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहरसा को। ऐसे में लिखा है कि केयर इंडिया के प्रतिनिधि को राज्य में मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर की सही अनुमान लगाने हेतु सर्वे कार्य में आप लोगों को सहयोग करना है, उसमें आपकी ड्यूटी लगा दी गई है। आगे लिखा है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर की सही अनुमान लगाने हेतु केयर इंडिया सहरसा के प्रतिनिधि द्वारा सर्वे कार्य संलग्न आंगनबाड़ी केंद्रों की विवरणी के अनुसार किया जाना है। यानी आप लोगों के पास जो भी जानकारियां हैं आपसे सहयोग करने के लिए वो लोग आएंगे और आप लोगों को उनकी मदद करनी है, इस सर्वे काम में उनका हाथ बटाना है। आगे लिखा है उक्त जो है सर्वे कार्य में वर्ष 2018, 19 और 2020 का आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजी जो संख्या है, परिवार विवरण पंजी है, पंजी संख्या 3 पूरक पोषाहार जिसको पंजी कहते हैं, पंजी संख्या 5 जिसमें गर्भावस्था व प्रसव की पंजी की जानकारी होती है, एवं पंजी संख्या 8 जिसमें गृह भेंट की पंजी के बारे में जानकारी है, इन सबको अनिवार्य रूप से आपको उपलब्ध वगैरह उनको करवाना होगा। साथ ही अतः निर्देश दिया जाता है कि उक्त सर्वे कार्य में केयर इंडिया के प्रतिनिधि को आवश्यक सहयोग महिला पर्यवेक्षिका यानी सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी सेविका प्रदान करेंगी, इस हेतु अपने स्तर से भी जो है निर्देशित करना सुनिश्चित करेंगे, इसे आवश्यक समझा जाए। ये आपके जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा की तरफ से आदेश आया है और बिहार में ये काम जो है कराया जा रहा है, और भी जनपद होंगे बिहार में वहां पर भी धीरे धीरे ये काम देखने को आपको मिलेगा। आगे बता दें अगली खबर की तरफ चलते हैं, सुमन बहन है हमारी, उन्होंने कुछ लिखा है, देखते क्या समस्या है। एक आदेश भी भेजा है, आदेश भी हम आपको दिखाएंगे। बहन पहले कुछ कहना चाहते हैं, उसको आप सब सुनिए। वीडियो को पसंद आए तो आप सब जरूर जरूर शेयर किया करो यार, सब्सक्राइब करके बेल दबा लो। जो भी पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। भैया नमस्ते, गुड मॉर्निंग भैया, हमारे मिर्जापुर जिले में 62 वर्ष पूर्ण हो चुकी आंगनबाड़ी व सहायिका को यह लेटर दिया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आपको 31 जुलाई के बाद मानदेय नहीं मिलेगा। मतलब 31 जुलाई हो चुकी है और ऐसे में अगस्त से जो भी आप बहने काम कर रहे हो, 62 साल यदि आपके हो चुके हैं, 62 साल में आपको यानी रिटायर होना था, तो यदि आप रिटायर हो चुकी हो तो अब जुलाई से जो भी आप काम करोगे उसकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा, यह हम पहले ही बता रहे हैं। आगे इसमें लिखा है कि आंगनबाड़ी व सहायिका बहुत निराश हो गई हैं, 35-40 साल जो नौकरी करने के बाद उनको झुंझुना थमाकर बाहर कर दिया गया। यूनियन वाले भाई सब कान में तेल डालकर बैठे हैं, आप ही बताओ भैया हम जो लोग हैं वो क्या करें, बेचारी हम सब रो रही हैं। सुमन गुप्ता है लालगंज मिर्जापुर से, बहन ने लेटर भेजा, लेटर में भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये 31 जो है जुलाई को लेटर जारी हो गया था, मिर्जापुर में बहुत सी आंगनबाड़ी बहने हैं, उनकी मानदेय सेवाएं सबकी समाप्त हो रही है, उसी के संबंध में ये लेटर है। 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी आंगनबाड़ी को रिटायर कर उनकी मानदेय सेवाएं रोकने के संबंध में, तो जुलाई से सभी की मानदेय सेवाएं रुक जाएंगी जो भी 62 वर्ष की हो चुकी हैं, जिनके नोटिस वगैरह जिन जिन जिलों में जारी हो चुके हैं और जहां नहीं भी जारी हैं वहां पर भी जारी हो रहे हैं, तो इंतजार करिए, हर जगह नोटिस आ रहे हैं। और जुलाई से मेरा अब आप लोगों से एक सवाल है, हम सब भाई बहन आप इसका जवाब भी दीजिए, यदि हम लोगों को जुलाई से जो 62 वर्ष की बहने हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आपको जुलाई से जब मानदेय ही नहीं मिलेगा, आप जो भी काम करोगी उसका मानदेय नहीं मिलेगा क्योंकि सेवाएं ऊपर से रोक दी गई, अब ऐसे में आप सब बताओ क्या हमारा फिर जुलाई से काम करना, सर्वे ड्यूटी करना, यह सब करना ठीक रहेगा? तो हमारा तो सलाह यही कि बिल्कुल मत करो, जो भी आपके अभिलेख हैं उनको भी मांगा जा रहा है, इसमें साफ लिखा है, मैं आपको बता दूं हर जगह अभिलेख वगैरह भी जमा कराया जा रहा है। ये देखिए, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने केंद्र से संबंधित अभिलेख एवं सामग्री सूचीबद्ध करते हुए अपनी क्षेत्रीय मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर को निर्देशानुसार जो है संबंधित आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती अथवा सहायिका को वहां पर प्राप्त करवाना सुनिश्चित करें। यानी अपने सुपरवाइजर को आप दे दें जाकर के जो भी अभिलेख हैं, जो भी विभाग से रिलेटेड जानकारी वाले, तो वो अपना आगे आगे लोग करेंगे, आपकी मानदेय सेवाएं रोक दी गई, ऐसा आदेश निकल गया, ऐसे सब कुछ काफी जनपदों में हो रहा है, तो आप सबको जागरूकता के उद्देश्य से मैंने कई बार बताया और आज भी बता रहा हूं। तो अभी आप लोगों की क्या राय है कि जब मानदेय नहीं मिलेगा तो हम जुलाई से काम क्यों करें? बहने संक्रमित हो रही है और 62 वर्ष की बहनें, उनको तो कोरोना सर्वे में जो लगा रखा गया वो तो और जल्दी बीमार हो रही हैं, उनके लिए खतरा ज्यादा है, तो ऐसे में वो बहनें क्या करें? आप सब भी सुझाव दीजिए अपने अपने हिसाब से। बाकी
जो लड़ने का प्रोसेस है अपनी मांगों को लेकर के उसको जारी रखो। हमने एक बार और आप लोगों को समझाया था, हजारों लाखों आंगनबाड़ी बहनों हो आप, अगर आप चाहो, रिटायर वाली ही आपकी कम से कम 50-60 हजार होंगी, आवाज यदि हर किसी तक हमारी पहुंचती और जो हमने समझाया है, या बाकी की जो बहनें हैं वो भी आवाज लड़ सकती हैं अपने हक के लिए, क्योंकि कल आपके साथ भी वही होगा। तो मैंने कहा था ट्विटर अकाउंट पर जितने भी बड़े बड़े आपके नेता हैं इनके अकाउंट बने हैं, इनके अकाउंट में आपको ट्वीट करना है, इनको अपनी समस्याएं बार बार लिखनी है, अपनी जो भी समस्याएं जो भी आपके साथ गलत हो रहा है उनको डेली लिखोगे तो ये परेशान होंगे और देखते कब तक इन पर ध्यान नहीं देते। आप लोग क्या करते हो, मुख्यमंत्री पोर्टल बना है उस पर शिकायत करने पहुंच जाते हो, उसका निस्तारण सही नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, कई भाई बहनों ने बताया मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, निस्तारण किसी और से करवा रहे हैं जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो मतलब खाना पूर्ति जो ऐसे काम हो रहा है दिखावे का, बस मुख्यमंत्री पोर्टल पर, बाकी जो है जानकारियां मांगी जाती है होता नहीं, समस्याएं समाधान कुछ होता नहीं है मुख्यमंत्री पोर्टल से। अब आगे समस्या यही बचती है कि सोशल मीडिया पर सभी अकाउंट पर अपने एक्टिव रहते हैं सभी नेता, तो क्यों ना हम सभी वहीं पर अपनी समस्याओं को भेजें और लिखें और ट्वीट करें, ताकि और पूरी जनता पूरा देश देखे जो भी वहां पर उनसे जुड़ा हुआ है, वहां से आपकी आवाज बढ़िया गूंजेगी, ये मेरा मानना है। बाकी मेरा सहयोग किसी ने दिया नहीं, मैंने ट्विटर अकाउंट भी बनाया, पोस्टें भी स्टार्टिंग में डाली, लेकिन 5-6 लोगों ने सपोर्ट किया, बाकी हजारों लाखों बहनों ने वीडियो देखा, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। जब आपको ही फर्क नहीं पड़ता तो मुझे और ऑल इंडिया को आखिर क्या फिर फर्क पड़ेगा, खुद से जरा सोचिए ना। तो आपके हक के लिए हम लड़ रहे हैं और आप हमारा ही साथ नहीं दे रहे हैं। आगे देखिए, दिल्ली को कोरोना से जिताने वाली आशा वर्कर की हालात खराब है, 3,000 रुपए सैलरी है, प्रदर्शन किया तो हो जाएगी FIR। देखिए क्या हाल है, अपने हक के लिए यदि कोई मांगे, चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे आशा हो, समस्याएं सबकी एक जैसी है, पैसा किसी को जो है मेहनत का फल ठीक नहीं मिल रहा है। अब यहां पर उन्होंने अपना अपने सुरक्षा को लेकर के यहां पर किया था, सुरक्षा उपकरणों की मांग की थी, जिसके चलते जो है धरना प्रदर्शन किया, आवाज पहुंचाई सरकार के कानों तक, इसीलिए उन्होंने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, तो उल्टे इनके ऊपर FIR वगैरह सरकार जो है विभाग वाले करवा रहे हैं। ये है हमारी सरकारें और हमारे विभाग, तो ये है इनके लिए हम कितना मेहनत करें कोई काम आने वाला नहीं। आगे देखिए, अगला है हमारे पास लेटर, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी रीवा मध्य प्रदेश की तरफ से 11 जुलाई का परसों का यह लेटर है जारी किया हुआ, देख लीजिए बढ़िया जानकारी है। लिखा है, लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत परियोजना सेक्टर और आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर संधारित किए जाने वाले समस्त दस्तावेज एवं पंजी आदि पूर्ण कर अपडेट करने के संबंध में, यह जानकारी मध्य प्रदेश के रीवा में मांगी जा रही है। अब ऐसे में देखिए और क्या लिखा है, बताया जा रहा है कि विषयांकित के संबंध जो है संबंध में लेख है कि मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश संख्या पड़ी हुई है 19/3/2015 का एक आदेश होगा लाडली लक्ष्मी योजना वाला, उसके अंतर्गत जारी दिशा निर्देश जो भी है उनके अनुसार परियोजना सेक्टर और आंगनबाड़ी केंद्र के स्तर पर संबंधित अधिकारियों का कार्य दायित्व निर्धारित किया गया है एवं हितग्राही संबंधित समस्त दस्तावेज एवं जारी आपके NSG वगैरह प्रमाण पत्रों के संबंध में सभी लिखा है पंजी संधारित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगे लिखा है, पाया गया है कि कई परियोजना में योजना अंतर्गत वर्षवार प्राप्त आवेदन एवं हितग्राहियों को जारी प्रमाण पत्र के संदर्भ में पंजी एवं आवश्यक दस्तावेज संधारित नहीं किए गए और ना ही पूर्व वर्षों में हितग्राही को जारी किए गए आपके NSG के विवरण एवं वापसी के संबंध में कोई रिकॉर्ड संधारित है। और यहां पर लिखा है, कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त जो है संबंध में नाराजगी वगैरह व्यक्त करते हुए 15 दिवस के भीतर समस्त दस्तावेज संधारित करने का आदेश आया है। साथ ही लिखा है कि संबंध जो है मैं आपको भी किया जाता कि लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत परियोजना सेक्टर आंगनबाड़ी स्तर पर संधारित किए जाने वाले समस्त दस्तावेज एवं पंजी आदि पूर्ण कर 15 दिवस के भीतर अपडेट कराना जो है सुनिश्चित करें, अतः जो है यहां पर आशय या प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। और इसमें यह भी लिखा है, अतः कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता भी आप लोग दें। तो रीवा से एक यह आदेश था। साथ ही एक और आंगनबाड़ी बहन है, ये उन्होंने लिखा है एल्बेंडाजोल की जो गोलियां हैं टैबलेट है वो यहां पर जो है खिलाई जा रही है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, विटामिन ए वगैरह भी पिलाई जा रही है, मनोरमा बहन है उन्होंने भेजा है। साथ ही अगला भी मैसेज एक बहन उनका भी है, सुधांशु भैया नमस्ते, मीना मिनी आंगनबाड़ी है, सॉरी शिव प्यारी बहन, उन्होंने भैना माऊ लिखा हुआ वहां से है, हमारी माधवगंज हरदोई में पड़ता है। आगे बता दें, अगला मैसेज है, ये देखिए एक और बहन है और यहां पर सरस्वती देवी बहन है, उन्होंने भी अपना यहां पर जो स्तनपान के बारे में जानकारी दे रही है, गर्भभ्रमण किया है उसी के बारे में। अगला एक ये देखिए, ये चल रहा है व्हाट्सएप पर पोस्ट वगैरह अधिकारियों की, इसमें लिखा है DPO सर के आदेशानुसार सभी CDPO मैडम और LSBC BPA के अनुरोध है कि सर्विस डिलीवरी में जो है सभी जो आपके इंडिकेटर्स पर 100% करवाना सुनिश्चित करें। पिछले 2 सप्ताह से बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी जो सेंटर है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लिखा डिटेल का एंट्री किया जाना है अभी, लेकिन अभी भी जो है बहुत सेविकाएं द्वारा एंट्री नहीं किया गया है, इसे जो है आज ही पूरा किया जाना आवश्यक है, क्योंकि कल 12/8/2020 को ACS सर के द्वारा ICDS कैश पर रिव्यू होगा। आप सभी को निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आंगनबाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर एंट्री, VSND, THR, डेली फीडिंग डाटा और आंगनबाड़ी ओपनिंग स्टेटस, ग्रोथ मॉनिटरिंग,
हाउस होल्ड वाली एंट्री जो है, होम विजिट है, सीबीई है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होंगी, मैंने बताई भी है। तो अभी आपको बता दें और भी चीजें हैं, जैसे एक और आदेश मेरे पास लगा है बिहार सरकार का, ये भी देखिए, इसमें है 8/7/2020 का, यानी 8 जुलाई को लेटर था सुगंधा शर्मा जी का है। इसमें लिखा है आंगनबाड़ी केंद्रों के सभी लाभार्थियों के खाते, आधार विवरणी, एनरोलमेंट वगैरह तथा एनरोल्ड वगैरह कराने के संबंध में। ये लेटर मैं पहले भी दिखा चुका हूं, किसी भाई बहन ने मुझे पुराना लेटर भेजा है और उन्होंने शायद हमारी ऑल इंडिया की डेली खबरें नहीं देखी होंगी, इसलिए उन्होंने पुराना लेटर भेजा। यह लेटर मैं पहले भी दिखा चुका हूं, लाभार्थी ऐप पर जो आप लोगों को सब कुछ अपलोड करना है इसके बारे में लिखा है, जो भी आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत सभी जो लाभार्थी है ना, उनके बैंक खाते, आधार विवरणी, ये सभी चीजें जो है आप लोगों को अपलोड करनी है लाभार्थी ऐप पर, इसके बारे में बिहार में चल रहा था। साथ ही आप बता दें, आपको समायोजन के संबंध में एक बहन पूछना चाहती है। लिखा है सुधांशु भैया नमस्ते, और आप कैसे हो? मैं जो है औरैया डिस्ट्रिक्ट से हूं भैया, हमारी नियुक्ति 2011 में हुई थी, और भैया मैं शादी उन्होंने लिखा भैया मेरी शादी 2016 में हुई थी, भैया मेरी ससुराल में जो है जगह खाली है, मैं मिनी आंगनबाड़ी हूं और ससुराल में फुल आंगनबाड़ी की जगह खाली है, भैया ये समायोजन हो जाएगा क्या? तो बहन, आप मिनी आंगनबाड़ी हो, वहां पर फुल आंगनबाड़ी का पद खाली है, और ऐसे कैसे समायोजन हो जाएगा? और वैसे भी समायोजन जब होते हैं तभी तो होगा, ऐसे आप चाहो और समायोजन हो जाए, ऐसा थोड़ी होता कि आप मिनी के पद पर हो और आंगनबाड़ी की कहीं जगह खाली पाई और वहां पर समायोजन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और समायोजन जब कराए जाते हैं तभी होता है, बदली ऐसे नहीं होती है। और आपका पद यदि यहां पर खाली होगा तो यहां पर भी तो कोई भरने वाला चाहिए, और बदली तब होती है जब दोनों जगह जो है कम से कम पद भरने के लिए को, इसीलिए जो है ट्रांसफर तभी होते हैं जब सभी के होते हैं, तो यहां से वहां ट्रांसफर किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक जो चाहे वो अपना ट्रांसफर करवा ले और बाकी का पद अपना जहां था वहां छोड़ करके चला जाए, ऐसा नहीं होता है। आगे बता दें, और भी बहन है, जैसे ये देखिए मीरा बहन, उन्होंने भेजा है वितरण वगैरह टीएचआर का कर रही है। साथ ही एक और हमारे पास मैसेज है, आंगनबाड़ी बहन है, भैया जी नमस्ते, आपका धन्यवाद करती हूं, जो आपने मुझे जोड़ा, बच्चों को विटामिन की दवा पिलाई गई है। आमिना खातून बहन है गनवरिया वगैरह से, आप देख सकते हो वहां से तस्वीर भेजी है। साथ ही एक और हमारी बहन है, उन्होंने भेजा ये, भैया जी नमस्ते, आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आपकी रोज वगैरह तीनों टाइम की न्यूज देखती हूं, भैया जी मेरी कोरोना में चौथी बार ड्यूटी लगी है, और आखिरी वगैरह उनका कहना है दिन जो है सैनिटाइजर वगैरह दिया गया है भाई हमारे, हम क्या ऐसे कुछ लिखा, हमारे किया, हमारे बच्चे नहीं है, सब लिखा बहुत जगह, यानी कि आप देख सकते हो गलत बहनें लिख देती तो पढ़ने में दिक्कतें आती हैं, कहां पर पुलिस स्टॉप लगाना चाहिए, कहां पर क्या लगाना चाहिए, तो वो सब नहीं दिखाई देता है। ये देखिए भाई, आप सही सलाह देते हो और बताएं हम क्या करें। तो बहन वही चीजें हैं, बताना, मैंने कई वीडियो में मैंने बताया है क्या क्या आपको करना है, अपने हक के लिए आपको खुद लड़ना होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि यूनियन वाले उनको अपना धरने के वक्त टाइम दिखाई देता है जब उनको चंदा बटोरना होता है, बाकी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के कोई आगे नहीं बढ़ता। बिगुल तो बजा देते हैं कि हम धरना करेंगे, ऐलान करेंगे, लेकिन जब समय आता है ना तो फिर वो सब धीमा कर देते हैं, फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, ये सब चलता रहता है। आगे देखिए, अगला मैसेज है पूर्वा उन्नाव से, हमारी बहन है, उन्होंने भी अपना भेजा है, स्तनपान के बारे में जानकारी वहां दी जा रही है। और यूनियन को लेकर के एक बात कह दें, आप लोगों को बुरी भले ही लगे जो भी यूनियन से जुड़े हों, अभी देखा आपने उत्तर वहां बिहार में क्या चल रहा, कुछ पोस्टें टहल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है वार्ता सफल रही है, कुछ बिंदुओं पर वार्ता सफल रही है, मान ली गई है, सहमति बन गई है, कहीं कहीं ऐसे हैं जहां पर कह रहे हैं कि विफल हो गई है। अब समझ में ये नहीं आता है क्या आप दर्शाना चाहते हो सोशल मीडिया पर, और इन चीजों के तहत बहनें भ्रमित रहती हैं। यदि आपकी वार्ता हुई है, लिखित में हुई है, तो आप उस लेटर को लागू करिए, भेजिए, वायरल करिए, लोगों को भेजिए, बहनें जागरूक हो। नहीं हुई तो साफ शब्दों में बोल दो, जैसे झारखंड में हमारे भाई बहन बोल देते हैं वार्ता विफल रहती है, तुरंत बाहर निकल के बोल देते कि भैया सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे थे, हमने मांगे नहीं मानी, यानी कि इनके झूठे आश्वासनों पे हमें नहीं आना है, फिर से अपना हड़ताल पर बैठ गए। तो जो सही होगा तो बहनें सपोर्ट करेंगी, यदि आप बहनों को गुमराह करोगे तो फिर बहनें सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। देखिए सच वही होता है जो सबके सामने बोल दिया जाए तो वो सच है, अन्यथा छुपाओगे, रखोगे मन में, पता नहीं वहां क्या बैठक हुई, क्या मीटिंग हुई है, और जिनके हक के लिए आप लड़ रहे हो उनको ही आप नहीं बता पा रहे हो क्या बैठक में हुआ है, तो ये गलत है। सरकारों को भी इन पर पारदर्शिता बरतनी चाहिए, जो मीटिंग बैठक सरकारें करवाती है ना, ये गलत करवाते कि यूनियनों को बुला लेते हैं और उनके सामने पता नहीं किन मांगों पर डिस्कस होती है, इसलिए कभी मांगे पूरी हुई नहीं होती है, आंगनबाड़ी बेचारी धरना ही करती रहती, उनको बुलाया जाता हर साल। वरना अगर सरकार चाहे वार्ता करती है तो बढ़िया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, टीवी चैनल पर बैठे और टीवी चैनल पर आए, सीधा बोले आकर के, वार्ता करें आकर के, और बोले सभी के सामने, पूरा देश दुनिया देखे कि हाँ हमारे सामने हमारी मांगों पर ये विचार हो रहा है। लेकिन ना सरकारें अधिकारी ये करते, क्योंकि उनको क्या करना है, झूठा आश्वासन देना, यूनियनों को खरीदना है और उनको जो यहां पर किसी तरीके से दबा लेना है, झूठा आश्वासन देकर के भगा देना, यही सब चलता है। यूनियन वाले खुद ही चाहते हैं कि हमें अकेले बुला ले, वार्ता में ज्यादा लोग ना, जो भी होगा अपनी जो खुद की मांगे होंगी उनको पूरा करवा लेंगे। तो अपने अपने गलत उद्देश्यों, गलत नीतियों के साथ में बहुत से यूनियन आगे बढ़ रहे हैं, जिसका फायदा सरकारें और अधिकारी उठा रहे हैं, और आंगनबाड़ी का कभी भला नहीं हुआ और आगे भी नहीं लगता है, उम्मीद है कि हो जाए भी जाएगा। फिलहाल के लिए आगे मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी यूनियन है, जो भी करे, वो बहनों तक जाना चाहिए, आपका एक एक कदम, एक एक प्रयास बहनों तक पहुंचे, और इसके लिए आपको भी सही तरीके से सब कुछ बताना होगा, ना कि उनको भ्रमित करके सिर्फ जो है यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा
करवा लो यूनियन में, पैसा ले लो और बैठ जाओ, ये सब गलत है। क्योंकि आज तक मानदेय धरनों में कट जाता है, आप वापस नहीं ला पाते हो। जब आप वापस नहीं ला पाते हो तो धरने में लड़ने के लिए बहनों को फिर क्यों ले जाते हो? पुराना पैसा, अब क्या बहनें एक बार तो अपना हक के लिए लड़े, उनका धरने में पैसा कट जाए, फिर आप उसी पैसे को लागू करवाने के लिए फिर लड़ो, तो ये कब तक चलेगा? ऐसे आप कहते हो 50% पर सहमति बनी, सुबह बहन ने कहा, लेकिन सहमति लागू नहीं हुई, कभी भी होती नहीं है, लिखित समझौते सरकारें मानती नहीं है, तो क्या फायदा है? यूनियन को चाहिए कि सरकार आए और सरकार मीडिया चैनल के सामने बैठ करके, जैसे डिबेट चलती है ना, बड़े बड़े चैनलों पर पहुंचे, बड़े बड़े चैनल है वहां पर आए अधिकारी, जो विभाग वाले हैं करें बैठ करके बात, पूरा देश दुनिया देखे, जो भी वार्ता हो सबके सामने हो तब देखे, लेकिन ऐसा कोई कुछ करता नहीं है। और इसीलिए आंगनबाड़ी के मुद्दे पर कभी भी कुछ सही तरीके से प्रयास नहीं हो पाते हैं, कभी भी जो इनका समाधान नहीं होगा, क्योंकि जो बातें गुप्त रूप से होंगी, बैठक में होंगी, कमरे की चार दीवारी के अंदर होंगी, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा आप खुद सोचिए। कोई विरोध प्रदर्शन, कोई कुछ नहीं दिखने वाला, 4 महीने 5 महीने बीत जाते हैं, कुछ नहीं होता, ऐसे सब कुछ चला जाता है। इसलिए हमारी सलाह है, हमारे जितने भी यूनियन है, जब भी बैठक की बात की जाए तो आप कहो कि जो अधिकारी हैं, जो हमारी सरकार है, वो बैठ करके डिबेट करें बड़े बड़े टीवी चैनल के साथ में, वहां पर सब पूरी देश दुनिया देखे आप क्या कह रहे हो, आंगनबाड़ी भी तो देखे हमारा यूनियन कैसे किस हद तक लड़ रहा है, क्या बैठक में बोल रहा है हमारे लिए। ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए बोल ही नहीं रहे बैठक में अपने, वो कुछ मुद्दे अलग लेकर के पहुंच रहे हैं। तो इन सब चीजों को आपको समझना होगा, अपने तौर तरीके लड़ने के बदलने होंगे, क्योंकि वरना ऐसे ही जो है समय गुजर रहा है और मिल कुछ नहीं रहा। मिलेंगे आपको फिर शाम की खबरों में। आज दोपहर का वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और भी बहनों को जागरूक करिए, चैनल से जोड़िए, क्योंकि हर बहन को जागरूक होना पड़ेगा अपने हक के लिए, वरना हम लोग कितनी भी ताकत और जोर लगा ले कुछ भी नहीं होने वाला है। धन्यवाद।